मिष्ठान भी बटेगा और महाराज कृष्णदेव राय भी अवश्य आएंगे। आएंगे आएंगे महाराज आएंगे 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 आएंगे। एक और तीर, डरो मत, ये तीर नकली है। मत भाई मत भाई। शारदा महोदया, तुम्हारे मुख से तो उठा लो ही शोभा देता है। चिंतित मत हो, कुछ नहीं होगा। माँ, माँ, महाराज कृष्णदेव राय ने अपने आगमन की सूचना भेजी है मुझे। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। महारानी, इसकी मुर्गी ने मेरी दुकान में आकर जितने भी हानि की है अनाज की, उसकी भरपाई इसे करनी ही होगी। नहीं नहीं महारानी, मैंने तो मुर्गी को मना किया था कि इनकी दुकान में मत जाना, किंतु वो फिर से चली गई। इसमें मेरा क्या दोष है? महारानी जी, जिसकी मुर्गी उसका दोष। मुझे न्याय चाहिए बस। न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये पंडित रामाकृष्णा जी कहाँ रह गए? कहीं वो महाराज कृष्णदेव राय की पहेली तो नहीं बूझ रहे? पंडित रामाकृष्णा जी अभी तक नहीं आए। नहीं महारानी, नहीं आए। महारानी, ये पंडित रामाकृष्णा का दरबार से गायब रहना या फिर दरबार में विलंब से आना, ये आम बात हो गई। आप चिंता मत कीजिए महारानी, हम मुर्गी को न्याय दिलवाएंगे। गुरु जी आप बोल गए, मुर्गी को न्याय नहीं दिलवाना है, इस मनुष्य को न्याय दिलवाना है। हाँ वही बात है। जब मनुष्य और मुर्गी की बात चल रही हो तो गधों को शांत रहना चाहिए। मुर्गी किसकी? मेरी मुर्गी थी, इनके दुकान में घुसी थी। तो तुम्हारी मुर्गी ने इसकी दुकान में घुसकर इसका अनाज खाया? हाँ। ये तो गड़बड़ है, अब इसकी तू भरपाई करनी होगी। देखो ऐसा है, जब तुम्हारी मुर्गी अंडा देगी तो वो अंडा तुम इसको दे दोगी, क्योंकि महारानी वो जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो इसका अनाज खाकर दिया है ना, तो उस अंडे पर इसका अधिकार हो गया है, तो बस हो गया न्याय। ये कैसा न्याय है महारानी जी? हमें तो पंडित रामाकृष्ण ही न्याय दिला सकते हैं। कहाँ है वो? है, पंडित रामाकृष्ण न्याय दिलवाएंगे। हमारे बिना आज तक उन्होंने कोई भी समस्या नहीं सुलझाई है। ऐसे ही सब कहते रहते हैं, समस्या विकट रामा प्रकट, समस्या विकट रामा प्रकट। अब देखिए समस्या सामने खड़ी है, तो पंडित रामाकृष्ण अब तक प्रकट क्यों नहीं हुए? महारानी महारानी, मैंने कहा था ना, मेरा अनुमान सही निकला। अब मुझे शत प्रतिशत विश्वास हो गया है कि हमारे महाराज कृष्णदेव राय वापस आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं? कहीं विजयनगर पहुंच तो नहीं गए? महाराज कृष्णदेव राय विजयनगर आ गए? पंडित रामाकृष्ण, हम आपका मुंह मोती चूर के लड्डुओं से भर देंगे, भर देंगे। कितनी शुभ सूचना लेकर आए हैं हम। कब आ रहे हैं महाराज? कहाँ है महाराज कृष्णदेव राय, कहाँ है बोलिए। गुरुवर, महाराज अभी नहीं आए हैं। तेरी की। महाराज कृष्णदेव राय अभी नहीं आए तो क्या हुआ, किंतु वो आने वाले हैं। पंडित रामाकृष्ण जी, आप ये बात इतने आश्वस्त होकर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि महारानी, उन्होंने पुनः एक चिट्ठी भेजी है। पंडित रामाकृष्ण जी, क्या लिखा उस चिट्ठी में? महारानी, उस चिट्ठी में पुनः एक पहेली भेजी गई है, जिसे यदि सुलझा दिया गया तब तो महाराज आएंगे, अन्यथा नहीं। कहिए पंडित रामाकृष्ण जी, क्या है वो पहेली? जी महारानी, वो पहेली है, जीवित मछली वृक्ष पर चढ़े। जीवित मछली वृक्ष पर चढ़े, हैं? मछली वृक्ष पर चढ़े, उछले कूदे गिरे पड़े, जल बिन ना तड़पे, अपितु आए उसे आनंद बढ़े, वृक्ष पर ही सदैव आवास करे, अपना घर ना जाने क्यों वनवास लगे, दिन हो या रात अपना घर कारावास लगे, जब भई छाओ उसे मैं ढूंढ पाऊं, समय का ना रहे कोई पहरा, अंधकार हो या रहे उजाला, उसकी सुनहरी चमक का रहे बसेरा,
अपने समक्ष हमें तभी पाओगे यदि एक दिवस में ये कृत्य कर दिखलाओगे। समय कम है। समय कम है तो कौन सी बड़ी बात है पंडित रामकृष्ण जी, हमारे गुरु जी ने तो पहले ही कहा है कोई भी पहेली हो क्षण भर में सुलझा देंगे। हाँ गुरुवर, आपसे बहुत आशाएं हैं, बूझिए ना इस पहेली को। हाँ, अत्यंत सरल है महारानी पहेली का हल, इसका उत्तर तो हमारी जीवा पर है। अभी निकला तो अभी निकला, किंतु हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये महाराज के विजयनगर आगमन से संबंधित है, तो इसे हमें गंभीरता से लेना है। हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके पश्चात कल हम इसका उत्तर देंगे, दे देंगे। जीवित मछली का वृक्ष पे चढ़ना ये असंभव कार्य, भला महाराज कृष्णदेव राय ऐसी पहेली कैसे पूछ सकते, और वो स्वयं हम सबकी समक्ष क्यों नहीं आ जाते, ऐसे कैसे हो सकता है आप ही बताइए। हमें तो लगता है कि कोई और ही है जो उनके नाम पे हम सब के साथ परिहास कर रहा है। महारानी सत्य कहा आपने, हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज कृष्णदेव राय के नाम पर कोई भ्रांति फैला रहा है। क्षमा करें महारानी, संभव है कि आपकी बात सत्य हो, किंतु ये भी तो संभव हो सकता है ना कि ये चिट्ठी स्वयं महाराज श्री कृष्णदेव राय ने ही भेजी हो। कहीं हम इसे किसी का परिहास समझकर पुनः एक बार अपने प्रिय महाराज को खो ना बैठे। समय बहुत कम है, हमें एक ही दिवस में इस पहेली को बूझना होगा, अन्यथा महाराज नहीं आएंगे। और राज दरबार में उठाई गई इन समस्याओं का क्या, न्याय की पुकार करते इन लोगों का क्या? नहीं नहीं पंडित रामकृष्ण, आप हमारे विषय में विचार ना करें, महाराज कृष्णदेव राय के आगमन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, इनकी मुर्गी मेरी दुकान पे आके चाहे जितना अनाज खा जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु आप समय बीतने से पूर्व पहेली का हल ढूंढ लीजिए। बहुत अच्छी, क्योंकि अगर विजयनगर में हमारे पूजनीय महाराज का आगमन हो जाएगा तो संपूर्ण विजयनगर में वैसे भी कोई समस्या नहीं रह पाएगी। बोलो महाराज कृष्णदेव राय की जय, 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 बोलो महाराज कृष्णदेव राय की जय। क्या करूं, कैसे इस पहेली का हल खोजूं? अरे सूरज, इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, बात ही हंसने वाली है। आपके जो महाराज हैं कृष्णदेव राय, मैंने तो सुना था कि अत्यंत शूरवीर व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धिमता के भी कई किस्से सुने थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वन में जाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो ऐसे बालकों की भांति हट करके बैठ गए हैं कि पहले पहेली बूझो अन्यथा वापस नहीं लौटूंगा। और फिर ये पहेली भी क्या है, ये मछली को पेड़ पे चढ़ा दो। जब तुमने महाराज की बुद्धिमता के विषय में बात की है तो तुम्हें बताना चाहूंगा कि महाराज ने मुझे एक अद्भुत युक्ति बताई थी, सोच रहा हूँ तुम्हें बता दूं। कैसी युक्ति? ऐसी युक्ति जिसे जानने के पश्चात तुम्हें किसी की बुराई करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा? हाँ, जरा अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लो, ले जाओ ले जाओ, ये लीजिए। ये आपने क्या किया पंडित जी? तुमने युक्ति सिखाई। देखो, अब यदि तुम हिले तो तलवार की धार तुम्हें काट डालेगी, फिर तुम्हारा मन किसी की बुराई करने का नहीं करेगा, है ना अद्भुत युक्ति? और एक बात, इस युक्ति को सीखने के पश्चात मनुष्य का क्षमा मांगने का भी मन करता है, तुम्हारा भी अवश्य कर रहा होगा। मैं आपका अर्थ समझ गया पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, हाथ जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। शात्थे शात्यम समाचरेत, ये बात भी मेरे महाराज श्री कृष्ण देव राय ने ही मुझे सिखाई थी कि मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जिस योग्य वो हो। Yeah!
और क्योंकि तुम बलशाली हो तो मैंने तुम्हारे साथ बल का प्रयोग किया, क्योंकि मनुष्य को जो भाषा समझ में आती हो उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये बात भी मुझे मेरे महाराज ने सिखाई थी कि संसार, ये सृष्टि, मेरा परिवार, ये राजमहल, मेरी पदवी, मेरे महाराज श्री कृष्णदेव राय इन सबसे कहीं बढ़कर है मेरे लिए। उनके लिए बल तो क्या, मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी कर सकता हूँ, अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ, किंतु उनके सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दे सकता। और रही बात महाराज द्वारा पूछी गई पहेली की, तो महाराज के हर कृत्य के पीछे कारण, कारण के पीछे तर्क, तर्क के पीछे दृष्टि, और ऐसी दूरदृष्टि होती है जो तुम्हारे मेरे जैसों की समझ के परे है। मंदु कितनी सुंदर लग रही हो। शीघ्र, अति शीघ्र हम दोनों मंदु राजगुरु बनने वाले हैं। राजगुरु? हाँ। तुम दोनों? हाँ। वो कैसे? वो जो मछली वाली पहेली है ना, उसे हम दोनों बड़ी आसानी से बूझ लेंगे, और फिर उसके बाद वो कपटी पाखंडी बुड्ढा है ना, सेवक बन के हमारी सेवा करेगा, और फिर हम बन जाएंगे राजगुरु। मंदु राजगुरु। धनी मेरे बच्चे, क्या कहा था तुमने? बुढ़ाओ। मनी, क्या बोले थे तुम? दुष्ट बुढ़ाऊ। मंदू मंदू क्या कह रहे थे? हाँ? हमारी प्रेषी को मंदू मंदू कहते हो? मंदू, मार डालेंगे हम तुम्हें। मंदू, क्या है ये? तुम हमारी प्रेषी होकर इन दोनों गधों की बातों में कैसे आ गई? कथा कह रहे? आप जैसे से ये गधे ही अच्छे हैं। जब भी आते हैं मेरे लिए कोई ना कोई उपहार तो लेके आते हैं। एक उपहार क्या, हम तो तुम्हें उपहारों से लाद देंगे। ऐसी आशंका है कि महाराज श्री कृष्णदेव राय वापस आ रहे हैं, और वो पहले के रूप में जो संदेश था, वो संदेश हमने यूं दो पल में बूझ लिया। बिल्कुल पूछ लिया था गुरुजी ने, किंतु पंडित रामकृष्ण के पहले को पूछने के पश्चात वाले दो पल में। ए चुप रहो धूर्ता, उस पहली को तो कोई बुद्धिहीन भी पूछ लेगा। अभी देखो कैसे हमारी मंदु उस पहली को पूछती है। अच्छा? हाँ। तू आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? मंदाकिनी देवी बुद्धिहीन है? नहीं नहीं नहीं, चलो हमारी बात सुनो। मंदाकिनी को बुद्धिहीन का, निकलिए यहाँ पे, तब आना जब पंडित रामकृष्ण से पहले पहली बुझा पाओ। नहीं मंदु, चलो निकलो यार। अरे हम तुम्हारे तत्वत्व नहीं, चलो निकलो। ऐसी तो कोई मछली नहीं होती है जो वृक्ष पर चढ़े, कूदे, खेले और वहीं अपना आवास बना ले। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे जीवित मछली को वृक्ष पर चढ़ाऊं? कैसी पहेली दे दी है महाराज ने? असंभव है ये, असंभव। अरे कोई नहीं कर सकता। दिन तक दिन दिन तक तक दिन दिन तक दिन दिन तक तक दिन तक दिन दिन तक। अरे बंदूकी, अरे गधो, मछली को वृक्ष पर जो चढ़ाना है। सोच रहे गुरुजी, सोच रहे, किंतु आप हमारी खोपड़ी पर ये तबला वादन क्यों कर रहे? टक 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 टक, दिन 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 आ। ढोलक है क्या हम? अरे गधो, हमने सुना है कि खोपड़ी पर तबला वादन करने से मस्तिष्क तीव्र गति से दौड़ता है। ऐसा? मेरी सोच कहती है नेक काम में देरी किस बात की। महारानी, संदेह है हमें, ये महाराज कृष्णदेव राय नहीं, अभी तो कोई और है।
जो इस तरह की भ्रांति फैला रहा है। चुप रहिए आप, मत भूलिए कि महाराज कृष्णदेव राय वहां से गायब हो चुके। उनका गायब होना और इस प्रकार संदेश आना, ये अवश्य ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संभवतः ये महाराज कृष्णदेव राय ही है जो इस प्रकार की पहेली पूछ रहे हैं। महारानी, यदि वो महाराज कृष्णदेव राय हैं भी, तब भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पहेली पूछी गई है उसे सुलझाना असंभव है। आप भूल रहे हैं कि वो पंडित रामाकृष्णा है, पहेली बूझना उनके लिए कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं। आप भूल गए, आप अपने गुरु बाल योगी विद्वान बाल पंडित को यहाँ लेकर आए थे, उन्होंने कोई कम कठिन पहेलियां नहीं पूछी थी। भरकम को इस लोटे के भीतर डाल के दिखाना है। कोई तर्क है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, महाराज कृष्णदेव राय यहां वापस नहीं आने चाहिए। हे मां, मेरा हृदय कहता है कि मेरे महाराज मेरे बहुत निकट हैं। इस पहेली का हल महाराज श्री कृष्णदेव राय के आगमन से ही जुड़ा है। 20 वर्ष बीत गए मां, किंतु एक क्षण के लिए भी महाराज की स्मृति चिन्ह मेरे मस्तिष्क से ओझल नहीं हुई। एक क्षण भी नहीं बीता जब महाराज से मिलने की आस ना रही हो। मेरी सहायता करना, मैं अब अपने महाराज को खोना नहीं चाहता, मैं अब उन्हें खोना नहीं चाहता मां। उठा लो अम्मा, वैद्य जी ने मिष्ठान खाने से मना किया है ना। जब देखो मुझे मिष्ठान खाने से मना करती है, कोई और कार्य नहीं है क्या? यह कार्य जाके निपटा जा। अम्मा, दिन भर चपटी के भांति मैं पिस्तू घर का कार्य करने में और लड्डू आप खाएंगी? नहीं अम्मा, लड्डू मुझे भी चाहिए। तू जता रही है कि तू चक्की की भांति घर का कार्य करती है? नहीं अम्मा, जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जितने कार्य तू करती है उतने कार्य मैं भी करती हूँ। वो कैसे? देख, तू भोजन पकाती है, मैं खाती हूँ, तू कपड़े धोती है, पहनती हूँ, तू कुएं से पानी निकालती है, मैं स्नान करती हूँ। बिना कार्य आधे आधे, तुझसे एक कार्य कम नहीं करती मैं। उठा लो, उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अपने कान से पर्दे उठा लीजिए, सुना नहीं आपने अम्मा ने क्या कहा? इसी कारण तो हंस रहा हूँ। दिन भर समस्त गृह का कार्य मैं करती हूँ और उसका आदर्श भी अम्मा ले रही है। ये तो वही बात हुई ना कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सीधे पकड़ो या घुमाकर पकड़ो, फंसी तो मैं ही ना। क्या कहा फिर से कहो? उठा लो। नहीं नहीं, उठा लो के पहले क्या कहा? यही, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सीधे पकड़ो या घुमाकर पकड़ो, फंसी तो मैं ही ना। शारदा महोदया, अब तो सच में तुम्हें उठाने का मन कर रहा है। अरे अम्मा, तुम्हें ज्ञात नहीं है शारदा ने मेरी कितनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया है। तुम्हें जितने लड्डू खाने उतने लड्डू खाओ, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, सीधा पकड़ो या घुमा के। मिल गया मुझे मेरी पहेली का उत्तर, मिल गया। अब तो मछली वृक्ष पर चढ़ेगी भी और वहीं रहेगी। हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण ने ये तो पूछ लिया कि चिट्ठी भेजने वाले हम हैं, किंतु हमारे द्वारा भेजी गई दूसरी चिट्ठी ने हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जिसको हल करना आसान नहीं है। अब देखते हैं अपने महाराज तक पहुंचने के लिए पंडित रामाकृष्ण मछली को पेड़ पर कैसे चढ़ाते हैं। राजगुरु जी, जी
आपने तो कहा था कि आप पहेली का हल निकालेंगे। हाँ वो हम तो बस हल कर देते, अवश्य हल कर देते महारानी, किंतु क्या करें, हाय हमारे सिर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। और ये पंडित रामा कृष्णा उनका क्या, सब कहते फिरते हैं कि समस्या विकट रामा प्रकट, समस्या विकट रामा प्रकट, अब इतनी विकट समस्या है तो रामा प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं पहेली का हल ढूंढ रहे हैं अब तक। मिल गया महारानी, मिल गया। मिल गया महारानी। अरे क्या मिल गया, बहाना? नहीं गुरुवर, बहाना नहीं, पहेली का हल मिल गया। हल मिल गया? हाँ। पंडित रामाकृष्णा जी, यदि इस पहेली का हल मिल गया है तो महाराज कृष्णदेव राय को ये कैसे ज्ञात होगा, उन तक तो हम अब तक पहुंच नहीं पाए। महारानी, महाराज सदैव हम सबसे एक कदम आगे रहते थे, इसलिए तो वो अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ के लिए सदैव प्रसिद्ध रहे। अरे हम महाराज श्री कृष्णदेव राय के दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं, इस पहेली का हल बताइए, क्या है इसका हल, कैसे जीवित मछली वृक्ष पर चढ़ पाएगी, कैसे मछली जीवित रहेगी जल के बिना, कैसे वो मछली वृक्ष पर उछलेगी कूदेगी, कैसे वो रात्रि में दिखेगी, ये बताइए, हल निकालिए पहेली का पंडित रामाकृष्णा, शीघ्र शीघ्र हल निकालिए। गुरुवर, उत्तर यहाँ है। ये क्या है? ये तो मछली वृक्ष पर चढ़ गई। पंडित रामाकृष्णा जी, आप इस सब से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? महारानी, पहेली में लिखा था कि जीवित मछली को वृक्ष पर चढ़ाकर दिखाओ, ये देखिए मछली वृक्ष पर चढ़ गई। अब वृक्ष मछली के निकट आए अथवा मछली वृक्ष के निकट, बात तो एक ही है, किंतु ये कैसा वृक्ष है? गुरुवर, उस पहेली में ये नहीं लिखा था कि वृक्ष आम का, बरगद का, नीम का या किसी और का होना चाहिए, क्यों? मैं समझाता हूँ, देखिए पहेली है, जीवित मछली वृक्ष पर चढ़े, उछले कूदे गिरे पड़े, जल बिन ना तड़पे, अपितु आए उसे आनंद बढ़े, वृक्ष पे ही सदैव आवास करे, अपना घर ना जाने क्यों वनवास लगे, दिन हो या रात अपना घर कारावास लगे, जब भई छाओ उसे मैं ढूंढ पाऊं, समय का ना रहे कोई पहरा, अंधकार हो या रहे उजाला, उसकी सुनहरी चमक का रहे बसेरा, अपने समक्ष हमें तभी पाओगे यदि एक दिवस में ये कृत्य कर दिखलाओगे। पंडित रामाकृष्णा जी, हम तो आपको अत्यंत ही बुद्धिमान समझते थे, क्या आपको नहीं लगता कि पहेली बुझाने का ये तरीका अत्यंत बचकाना है? यदि पहेली का ये हल है भी, तो हमें नहीं लगता कि महाराज कृष्णदेव राय जैसे चक्रवर्ती सम्राट ऐसी पहेली पूछ भी सकते जिसका कोई अर्थ ही ना हो। हमें तो ऐसा लगता है कि कोई और ही है जो उनके नाम से हम सबको भ्रमित कर रहा है, कोई हम सबके साथ परिहास कर रहा है। आप सत्य कह रही हैं महारानी, महाराज श्री कृष्ण देव राय कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिसका कोई अर्थ ही ना हो, कदाचित इसीलिए उन्होंने हमें ये चुनौती दी है। महारानी, ये पहेली मात्र मछली को वृक्ष पर चढ़ाने की नहीं है, और किसकी? आपने भी तो वही किया, मछली को पेड़ पर चढ़ा दिया। गुरुवर, इस पंक्ति को ध्यान से देखिए, मैं फिर से सुनाता हूं, समय का ना रहे कोई पहरा, अंधकार हो या रहे उजाला, उसकी सुनहरी चमक का रहे बसेरा। इस वाक्य का अर्थ है कि जल इतना स्वच्छ होना चाहिए कि अंधकार में भी उसमें मछलियां दिखाई दें। महारानी,
बीते कुछ वर्षों में विजयनगर की नदियाँ इतनी दूषित हो गई हैं कि दिन के उजाले में भी उनमें मछलियाँ दिखाई नहीं देती। और इस बात का पता मुझे तब चला जब इस पहेली का हल ढूंढने के लिए मैं नदी किनारे जा बैठा। और जब मेरी दृष्टि मछलियों को ढूंढ रही थी तब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही है। फिर मुझे वो समय याद आया जब एक रात्रि मैं और महाराज नदी पार करके दूसरे राज्य जा रहे थे और जल में मछलियां उछलती कूदती नाचती नजर आ रही थी। तब मैं समझा कि महाराज इस पहेली के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। अपने महाराज की महानता देखी, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि असली राजा वही होता है जो भले ही शारीरिक रूप से अपने राज्य से दूर हो किंतु उसका ध्यान सदैव अपने राज्य के हित में ही होता है। विजयनगर के नदी तालाब दूषित हो गए हैं और अब उनकी स्वच्छता का अभियान प्रारंभ होना चाहिए, इसी ओर महाराज ने संकेत दिया है। महाराज श्री कृष्णदेव राय की, महाराज श्री कृष्णदेव राय की, महाराज श्री कृष्णदेव राय की। मुझे विश्वास है महाराज कि आप यहीं आसपास ही हैं। कृष्णदेव राय की, महाराज श्री। और यदि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि हम सबके प्यासे हृदय को और मत तरसाइए। आ जाइए महाराज, शीघ्र आ जाइए। महाराज श्री कृष्णदेव राय की। मुझे पूर्ण विश्वास था माँ कि महाराज एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। आज उनके होने के एहसास और वापस आने के संदेश ने मन इतना प्रफुल्लित कर दिया है कि मैं बता ही नहीं सकता। ये सब तेरी अनुकंपा के बिना संभव नहीं था माँ। बस अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनाए रखना। क्या देखे? गुरुजी वो देखिए, सामने मिष्ठान बट रहा है। आह, मिष्ठान की सुगंध तो यहाँ तक आ रही है। चलो। गुरुवर, प्रसाद ग्रहण कीजिए। महाराज के आगमन की आकांक्षा में मैंने प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद कहाँ है प्रसाद? ये पंडित रामाकृष्ण जिस प्रकार का व्यवहार आप हमारे साथ करते हैं हम उसे भली भांति जानते हैं। सारा मिष्ठान बांध दिया और खाली थाल हमारे समक्ष करके कह रहे हैं, गुरुवर प्रसाद लीजिए। क्षमा करें, समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। किंतु कोई बात नहीं महाराज, जब सचमुच आ जाएंगे मैं पुनः प्रसाद चढ़ाऊंगा, तब सर्वप्रथम आपको ही प्रसाद दूंगा मैं। बस बस बस, अधिक उछलिए मत, महाराज नहीं आने वाले। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहने को तो हम और भी बहुत कुछ कह सकते थे पंडित रामाकृष्णा, वो भी भरे दरबार में, क्योंकि आपने जो उत्तर दिया वो सही नहीं था। धन्यवाद कीजिए, हमारा आभार प्रकट कीजिए, ये बात हमने दरबार में नहीं की, अन्यथा भरे दरबार में सबके समक्ष आपकी किरकिरी हो जाती। देखो देखो देखो, मनु तूने देखा, हमारे गुरुजी को जन्म तो मनुष्य का मिला है किंतु रंग बदलने में गिरगिट से भी तेज है। दिन पेंदी का लोटा है बुढ़ा। गुरुजी अब तुम बदल गए, अभी तो कहते कि वहाँ पंडित रामाकृष्णा जी, मान गए, क्या पहेली हल्की है, है? हाँ। अरे गधो, अपने कानों में सरसों का तेल डाला करो, वो भी गर्म करके। हमने कब कहा? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, उत्तर हमें ज्ञात है। अच्छा, तो कृपा करके मुझे भी उत्तर बताकर अनुग्रहित करें। क्यों बताएं हम आपको उत्तर पंडित रामकृष्ण है? उत्तर हमने भगवान शिव को बता दिया है, वो महाराज को बता देंगे। हाँ, बड़ा बड़ा झूठा है बुढ़ा। और हाँ, एक बात स्मरण रहे पंडित रामाकृष्णा, यदि महाराज श्री कृष्णदेव राय पुणे विजयनगर आए तो उसका श्रेय आपको नहीं हमको जाएगा। अरे पंडित जी, अब आज तो आपने दरबार में अद्भुत कार्य किया, मान गया मैं आपको। आपने जिस प्रकार उस पहेली का हल निकाला अति प्रशंसनीय है।
मैं तो जीवन भर के लिए आपका प्रशंसक बन गया हूँ। धन्यवाद सूरज। पहली तो हल हो गई, किंतु अब चिंता का विषय ये है कि उन तक ये सूचना कैसे पहुंचाई जाए। उन तक तो पहुंच गई है। अर्थात उन तक तो पहुंच ही जाएगी। अब देखिए, महाराज कृष्णदेव राय ने जब वो पहली राज दरबार तक पहुंचाने का प्रबंध कर लिया, तो अवश्य ही उस पहली का उत्तर जानने का प्रबंध भी कर लिया होगा। ये जब जब मुझसे भेंट करता है, तब तब महाराज के विषय में चर्चा अवश्य करता है। इसे पहले कभी विजयनगर में देखा भी नहीं है। कहीं ये महाराज का गुप्तचर तो नहीं? पता लगाना पड़ेगा। मैंने देखा है कि तुम सदैव उचित बातें ही करते हो। तुम्हारा प्रशंसक तो मैं भी बन गया हूँ। तो अब तुम विजयनगर कुश्ती दल के दलपति बनाए गए हो। विजयनगर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीत विजयनगर की ही होनी चाहिए। अवश्य। तुम्हारे सम्मान में मैं अपने निवास स्थान पर तुम्हें भोज के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे? पंडित जी, ये तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। मैं अवश्य आऊंगा। लज्जा नहीं आती तुम दोनों को है? इतने बड़े राजगुरु तुम दोनों के समक्ष खड़े हैं और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो। ये क्या भोज 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 लगा रखा है? ये कौन किसको भोज पर आमंत्रित कर रहा है? भोज नहीं गुरुवर, बोझ बोझ। मैं तो ये कह रहा था कि अब विजयनगर की जीत का बोझ सूरज के कंधों पर है ना? वो जो सरसों का तेल हम अपने कानों में डालने के लिए लाएंगे ना, थोड़ा सा आपके कानों में भी डालने के लिए ले आएंगे। बाकी बुड्ढा ध्यान से सुन सके। चुप रहो दुष्टो। आपसे तो बाद में लिखेंगे, पहले इन्हें देखते हैं। रुको रुको रुको। अरे गुरुवर, धोती संभालिए, धोती। पंडित जी, मुझे आगे दीजिए। पंडित रामाकृष्ण हमारा अपमान करने का कोई अवसर नहीं चूकते। तो बस मंदू का प्रेम ही हमारे क्रोध को शांत करेगा। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन की आई, तू अब तक न आई। आजा 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 आजा। श्वान, मंदू ने श्वान कब से पाल लिया? जबकि उसे भली भांति ज्ञात है कि श्वान से हमें बहुत भय लगता है। मंदा, मंदू, ये तुमने श्वान क्यों पाल लिया है? क्योंकि तुमसे प्रेम करने से अच्छा है कि मैं इस श्वान से प्रेम करूं। किंतु ऐसा क्यों किया है तुमने? लज्जा नहीं आती तुम्हें फिर से पंडित रामाकृष्णा से पटकनी खा के आ गए? मंदा को कैसे पता चला? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हमने पंडित रामाकृष्णा को चारों खाने चित कर दिया। हाँ, झूठे कहीं के, मुझे सब ज्ञात है। अब जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं श्वान को बाहर भेजती हूँ। मंदा, तुम यहाँ तो भीतर कौन है? कोई नहीं। ओ हो 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 हो, समझ गए। अरे मंदा, हमें भीतर आने दो ना। तुम इस योग्य नहीं कि हम तुम्हें भीतर आने दें। ज्यादा बोलोगे तो श्वान छोड़ देंगे।
क्या तुम दोनों को ज्ञात है इसके पश्चात तुम किसी योग्य नहीं बचोगे? मेरी सोच की थी ये बुढ़ा है क्या, पीछे खड़ा है क्या? कब आ गए? बगैर बताए आ जाते। क्या भागो, भाग जाओ यहाँ से। अरे आओ मंदू, इधर आओ मंदू, चुकु चुकु बैठ। मंदू तत्थू, मंदू तत्थू, तुम जानती हो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? क्या? ये स्वर्ण के झुमके। मंदू जानती हो आज दरबार में क्या हुआ? अरे हमने पंडित रामाकृष्ण को ऐसी पटकनी दी, ऐसी पटकनी दी कि चारों ओर हमारी जयजयकार होने लगी। सच में? परंतु आपने ऐसा क्या किया? अरे हमने वो मछली को पेड़ पर चढ़ने वाली जो पहेली थी ना, वो हल कर दी। किंतु तुमने ये पहेली कैसे सुलझाई? मंदाकिनी देवी जैसे हर बार पंडित राम में कोई ना पहेली हल करते और हमारे गुरुजी सारा श्रेय ले जाते हैं। सत्य वचंदनी मंदाकिनी देवी जी, हम आपसे असत्य कभी बोल ही नहीं सकते, वो भी हमारे प्रिय गुरुजी के बारे में। ना ना ना, सब समझ गई, मुझसे असत्य कहते हो। निकलो इस घर से, निकलो। मंदू हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे जैसे झूठे के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मंदू निकलो, निकलो तत्थू। आचुर्मन, मंदू आचुर्मन, छुप जाओ, सभी छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, मंदू छुप जाओ। घुस गया तीर हमारे माथे में, घुस गया। अम्मा आज तो इसकी नींद समाप्त हो ही जाएगी। हे शिव, हमारे प्राण निकलने जा रहे हैं। तत्थू, अरे हमारे प्राण निकल क्यों नहीं रहे? हे भगवान, ये अन्याय क्यों किया? गुरुजी आपको असली तीर कब लगेगा? क्या कहा? अर्थात ये तीर भी नकली है। हाँ गुरुजी, देखिए इस तीर में भी एक चिट्ठी लिपट कर आई है, ध्यान से देखिए। राजगुरु जी कहाँ है? वो नहीं आए अब तक। पंडित रामाकृष्णा जी, ये सब क्या चल रहा है? महाराज, कभी आप दरबार में उपस्थित नहीं होते, कभी राजगुरु जी उपस्थित नहीं होते। इन पहेलियों के चक्कर में ना आप दोनों। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं राजगुरु जी? महाराज आ रहे हैं। क्या सत्य गुरुवर? अंततः पंडित रामाकृष्णा ने मछली को पेड़ पे चढ़ा ही दिया और हमारी पहेली में छिपा हुआ अर्थ भी पहचान लिया। हमें विश्वास था कि वो उस पहेली को अवश्य हल कर लेंगे। हम जानते हैं जितना हम अपने परम मित्र को गले लगाने को तरस रहे हैं, उतना ही वो भी। किंतु अभी समय शेष है और अब की बार हमने चिट्ठी लिपटा हुआ तीर पंडित रामाकृष्ण के पास नहीं अपितु गुरुवर के पास भेजा है। अब देखते हैं गुरुवर और रामा मिलकर ये आने वाली चुनौती कैसे हल करते हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं राजगुरु जी? महाराज आ रहे हैं। क्या सत्य गुरुवर? बस कीजिए आप दोनों, आप दोनों किसी की भ्रामक बातों में आकर दरबार का समय नष्ट कर रहे हैं। हाँ
मामात्य जी का कथन उचित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई है जो जानबूझकर हम सबको भ्रमित कर रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे राज्य के दो बुद्धिशाली लोग इस जाल में फंस चुके हैं। नहीं नहीं महारानी, ऐसी बात नहीं है महारानी। आज पुनः महाराज ने पहली भेजी है। पुनः पहली भेजी है? वो तो भेजेंगे ना। आपने जो पहली हल की थी वो सही नहीं थी। जी हाँ, महाराज इस बात से बहुत रुष्ट हैं और निराश भी। इसीलिए महाराज ने पहली हमें भेजी है ताकि हम पहली को हल करें और विजयनगर में महाराज का स्वागत करें। किंतु ये कैसा खेल खेल रहे हैं महाराज? कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी पहली को हल करने की। और उस व्यक्ति को हमारे सामने ले आओ जो हम सब के साथ ये परिहास कर रहा है। क्षमा करें महारानी, किंतु पहली तो हल करनी ही पड़ेगी। भले ही कोई हमसे परिहास कर रहा हो तब भी, क्योंकि यदि ये परिहास ना होकर महाराज का संदेश हुआ और हमने इसे परिहास समझकर अनदेखा कर दिया तो हमारे महाराज कभी वापस नहीं आएंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। आप सब क्या कहते हैं, हमें ये पहेली हल करनी चाहिए अथवा नहीं? हाँ, करनी चाहिए। की जानी चाहिए, की जानी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। हाँ तो गुरुवर बताइए तो सही, पहेली में लिखा क्या है, वर्णन कीजिए। हाँ 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 हाँ, पहेली है ये तो काव्य में है और हमें स्वयं समझ नहीं आई है तो इन्हें क्या समझाएं? अरे पंडित रामकृष्ण, हम आपको पहली क्यों बताएं? हैं? हम आपको पहली बताएं, फिर आप हमसे हल पूछेंगे, हल जान लेंगे, श्रेय आप लेंगे। ना 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 ना, हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। हाँ, पहली का हल जो है वो हमें ज्ञात है, किंतु फिर भी चलिए हम आपको एक अवसर देना चाहते हैं। लीजिए बताइए, बताइए क्या हल है? यदि मुझ तक पहुंचना है और मुझे पाना है तो है असंभव किंतु कार्य ये कर दिखलाना है। नेत्रहीन व्यक्ति से 6 पंक्ति का काव्य पाठ करके तुम्हें दिखलाना है। यदि इस कार्य में असफल हो जाओगे तो पुनः मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। किंतु इस पहेली में तो, इसमें तो एक नेत्रहीन व्यक्ति से इसे पढ़कर दिखलाने का उल्लेख है, ये कैसे संभव होगा? हमारे पास तो कई युक्तियां हैं, बहुत सी युक्तियां हैं। बुढ़े के पास युक्ति है? आप कई युक्तियां छोड़िए, केवल एक युक्ति बताइए, हम सब सुनने के आकांक्षी हैं। हाँ वो हम क्यों बताएं? हमने आपको पहली हल करने का अवसर दिया और आप हम ही से पूछ रहे हैं? क्यों, मस्तिष्क नहीं है आपके पास यहाँ? अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए और बताइए इसका हल क्या है। हाँ यदि आप नहीं बता पाएंगे तो कल हम इस पहेली का हल बता देंगे। पहेली अत्यंत कठिन है, नेत्रहीन व्यक्ति से पहेली कैसे पढ़वाई जाएगी? हम पुनः कह रहे कोई है जो हम सबको फंसा रहा है, हम सबको महाराज के नाम पे भ्रमित कर रहा है। हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत है महारानी। महारानी यदि कोई हमें भ्रमित भी कर रहा है तो पहेली हल करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? यदि इसे हल करने से महाराज के वापस आने की उम्मीद बढ़ती है तो इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की। हमें इन्हें पहेली हल करने के लिए समय देना ही होगा, अन्यथा लोगों को हमारी मंशा पर शंका हो सकती है। हम जो भी वस्तुएं फेंक रहे हैं उसके टूटने की ध्वनि क्यों नहीं आ रही है?
कैसे यहाँ? आपको ज्ञात नहीं हम गुप्तचर हैं और भेष बदल कर सब कुछ जान लेते हैं। हाँ, परंतु अपने ही कक्ष में ऐसे भेष बदल कर क्या जानने आई हो तुम? अगर ये तलवार लग जाती तो? बचाव करना आता है हमें, और वैसे भी हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने? हमें ज्ञात है कि आप हमारे पकाए हुए भोजन के विषय में क्या कहते हैं। यहाँ मस्तिष्क हमारा वैसे ही चिंता और तनाव में है, और तुम्हें खाने की पड़ी है। चिंता? कैसे चिंता? पंडित रामकृष्णा ने जो पहेली सुलझाई है ना, यदि वो सत्य है तो ये चिंता का विषय है। यदि महाराज कृष्णदेव राय यहाँ पहुँच गए तो आने दीजिए ना उन्हें। आप हमारे हाथों का पकाया हुआ भोजन करी और चिंता और तनाव दूर हो जाएगा। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन हम और नहीं खा सकते। ऐसे कैसे नहीं? अरे रुकिए, आपको खाना होगा। अरे भागते कहाँ हैं, रुकिए। क्या हुआ राजगुरु जी, आप उस पहेली को हल नहीं कर पाए? किंतु मैंने पहेली का हल निकाल लिया महारानी, मैंने पहेली का हल निकाल लिया। और प्रसन्नता का समाचार ये है कि जैसे ही मैंने अपने आवास पर उस पहेली का हल निकाला, उसी समय हम सबके प्रिय महाराज श्री कृष्ण देव राय मेरे आवास पर आ गए। क्या? हाँ। क्या यदि महाराज आ गए तो कहाँ है वो? यहाँ है हम। जिस भांति पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता है, उसी भांति तुम्हारे पापों का घड़ा भी भर चुका है, और अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। विजयनगर की समस्त प्रजा तुम्हें टमाटर मार मार के दंड देगी। मारो टमाटर। यदि इसे हल करने से महाराज के वापस आने की उम्मीद बढ़ती है तो इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। महारानी, आप यहाँ इस समय? हाँ, हम। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज कृष्णदेव राय यहाँ आएंगे विजयनगर में, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं महारानी, यदि विजयनगर के भविष्य की लकीरों में महाराज कृष्णदेव राय का नाम लिखा है तो उन लकीरों को मिटा देंगे हम। आप जिन्हें मिटाने की बात कर रहे हैं वो कोई वायु का झोंका नहीं, अपितु आंधी है। एक ऐसी आंधी जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। आप तो केवल नाम के प्रलयंकर हैं, वो सचमुच के प्रलय है। जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए और सूझबूझ के साथ कीजिए। 3 दिवस में से 2 दिवस बीत चुके। ध्यान दीजिए कि पंडित रामकृष्णा इस पहेली को सुलझा ना पाए। महारानी, आप निश्चिंत रहिए, पंडित रामकृष्णा उस पहेली को नहीं सुलझा पाएंगे। रही बात महाराज कृष्णदेव राय की, तो हमने राज्य के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों को उनका पता लगाने का कार्य दे दिया है। खाइए खाइए। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। वाह, पता है पता है। ये क्या हो रहा है? इस नेत्रहीन की सेवा कर रहे हैं। वाह, अति दयालु महिलाएं हैं, बिल्कुल देवी हैं देवी। इसे भोजन दे रहे हैं और फिर वस्त्र भी देंगे। हाँ, कार्य तो तुम दोनों अच्छा ही कर रही हो, किंतु इस कार्य के पीछे आशय क्या है तुम्हारा? जिससे कि कल दरबार में ये कविता पढ़ के सुनाए।
क्या? अरे पर मैं कैसे काव्य पाठ करूंगा, मैं तो नेत्रहीन हूँ ना। अब समझ आया कि क्यों इतनी सेवा कर रही थी। देवी है देवी, दोनों की दोनों देवी, देख लिया देवियों को। नेत्रहीन है तो क्या हुआ, मन के नेत्र से तो पढ़ सकते हैं ना। अरे उससे भी नहीं पढ़ सकता, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आपका ये घर बड़ा सुंदर है। देखा अम्मा क्या कहा, इसका श्रेय। उठा लो। क्या उठा ले? अरे ये भोजन की थाली उठा लीजिए। अब आपके मित्र सूरज आएंगे तो उन्हें भोजन क्या करवाएंगे, ये सारा भोजन तो हमने उस मनुष्य को नेत्रहीन समझ के खिला दिया। अरे सारा भोजन क्यों खिला दिया उसे, जबकि पूरा भोजन वो खा गया। अब सूरज को क्या खिलाएंगे? वही जिसकी मुझे भूख है। और वो है अपने मित्र की माता का दिया हुआ आशीर्वाद और भाभी का स्नेह। सच कहूं मित्र तो मेरा पेट तो इतने से ही भर जाएगा। अत्यंत मिठास भी विष बन जाती है। अब तो ये पता लगाना ही होगा कि इस मिठास में कहीं विष तो नहीं। सूरज अब जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं भी कम नहीं हूँ। आज तुम्हें आशीर्वाद और स्नेह के साथ साथ भोजन भी मिलेगा और मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। आओ। धन्यवाद भाभी। पंडित जी भोजन तो अति स्वादिष्ट है। एक बात कहूं सूरज, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने विषय में बहुत सारी बातें छुपाना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को भी उसके विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं होगा। किंतु ये भी संभव हो सकता है कि कोई है जिसे उसके विषय में सब कुछ ज्ञात हो। पंडित जी आपने क्या बोला क्या पूछा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं। ये क्या है ना, मुझे तुम्हारे विषय में सब ज्ञात हो गया है। अब तुम ये विचार करो कि यदि महारानी को भी सब कुछ ज्ञात हो जाए तब क्या होगा। जी आप कृपया करके महारानी को इस विषय में कुछ मत कहिएगा। उचित है, महारानी को कुछ पता नहीं चलेगा, किंतु तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य? हाँ। अच्छा मैं केवल आपको बताऊंगा, परंतु आप महारानी से इस विषय में कुछ मत कहिएगा। नहीं नहीं। क्या है पंडित जी कि मेरे मन में कौतूहल था कि महारानी के भोग के थाल के पकवान का स्वाद कैसा होता है, तो मैंने सबकी दृष्टि से छिपाकर दो मालपुए चोरी कर लिए। क्या? मैं भोजन के चोरी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किस विषय में बात कर रहे हैं? ये तुम्हें भली भांति ज्ञात है सूरज। नहीं पंडित जी मैं वास्तव में नहीं समझा। अरे अच्छा ये बताओ तुम्हारा ग्राम कौन सा है? तिम्पी चितुर ग्राम। जानते हैं मेरे पिताजी तिम्पी चितुर ग्राम के सबसे बड़े सबसे मशहूर पहलवान हैं, मल्लूला पहलवान। तू मल्लूला का पुत्र है? वही जो बाल अवस्था में भी कुश्ती लड़ता था। अरे रामा मैं तो इसके पूरे परिवार से परिचित हूँ। हमारे संबंधी इनके ग्राम में ही रहते हैं। पर ये आप
अचंभित मत होइए। शब्द हमारे हैं, किंतु विचार अम्मा के हैं। अम्मा आप धन्य हैं। ये तो अम्मा का परिचित निकला और मैं इसे गुप्तचर समझ रहा था। रामा, इन्हें अच्छे से भोजन करवाना। पंडित जी, आप किस विषय में बात करने वाले थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही। भोजन करो। पंडित जी, आपने मुझ जैसे व्यक्ति को अपना मित्र कहा है, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। मैं जानता हूं आप अत्यंत चिंतित हैं और मुझे आपकी इस चिंता का कारण भी ज्ञात है। आप इसलिए चिंतित है ना कि महाराज ने पहले तो एक पहेली भेजी जिसे आपने सुलझा भी दिया। अब महाराज तो लौटे नहीं, एक और पहेली आ गई जो पहली पहेली से भी अधिक कठिन है। अब इस दूसरी कठिन पहेली को आप कैसे सुलझाएं, आप यही सोच रहे हैं ना? कठिन नहीं सूरज, इस संसार की कठिनतम पहेली भी यदि मेरे समक्ष आ जाए तो मैं उसका हल भी निकालूंगा। महाराज श्री कृष्ण देव राय के दर्शन मात्र के लिए भी मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपके विचार तो अति सराहनीय है और सत्य पूछिए तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि आप ये दूसरी वाली कठिन पहेली भी चुटकियों में सुलझा लेंगे। लेकिन पंडित जी, क्या आपने सोचा है कि जब आप ये दूसरी वाली कठिन पहेली भी सुलझा लेंगे तब महाराज कृष्णदेव राय वास्तव में विजयनगर आ जाएंगे, तब क्या होगा? क्या आपको लगता है कि महारानी अपनी राजगद्दी महाराज को लौटा देंगी? क्या महाराज को उनका राजपाट उन्हें मिल पाएगा? क्या आपको लगता है कि महारानी ये पूरी सत्ता महाराज कृष्णदेव राय को वापस सौंप देंगी? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि सत्य तो यह है पंडित जी कि सत्ता के लालच ने बहुत से लोगों के प्राण लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज कृष्णदेव राय को विजयनगर पुनः बुलाकर आप उन्हीं के प्राणों को संकट में डाल रहे हो। सारे प्रयत्न कर रहे हैं हमारे गुप्तचरों को ढूंढने का पंडित रामाकृष्ण, पर वो भूल रहे हैं कि यदि वो शेर हैं तो हम महाराज कृष्णदेव राय भी सवा शेर हैं। हम आपसे एक कदम आगे ही हैं पंडित रामाकृष्ण, परंतु सूरज का ये कथन कि यदि हम विजयनगर आएंगे तो क्या हमें महारानी विजयनगर का राज सिंहासन लौटाएंगी? क्या हमारे प्राण संकट में आएंगे? इस प्रश्न ने पंडित रामाकृष्ण को विचलित तो कर दिया है। अब देखना ये है कि पंडित रामाकृष्ण हमारे द्वारा दी गई चुनौती हल करेंगे या नहीं। अद्भुत महारानी, अद्भुत, अति स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। और लीजिए ना पंडित रामाकृष्ण जी, और ग्रहण कीजिए। जी जी महारानी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भोजन इतना स्वादिष्ट होता है ना तो मेरे मुख से अधिक मेरे हाथ चलते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया, मन प्रसन्न हो गया महारानी। स्वर्ग तुल्य भोजन है महारानी, स्वर्ग तुल्य। पंडित रामाकृष्ण जी, मिष्ठान लीजिए। अवश्य महारानी, अवश्य। अरे कितना खाएगा रामा, तुझे नहीं लगता आज महारानी कुछ बदली बदली सी है? क्यों इतना स्वादिष्ट भोजन खिला रही है तुझे? क्षमा करें महारानी, आज तो आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महारानी,
अब प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। प्रणाम। रुकिए पंडित रामाकृष्णा जी, अभी भी कोई पकवान शेष रह गया क्या महारानी? तब तो आप उसे बांध कर दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि आज मैंने पेट भर के नहीं गले भर कर भोजन किया है। ये क्या बात हुई पंडित रामाकृष्णा जी, भोजन कर लिया और आप तो चलते बने। अरे हाँ, कोई कार्य शेष रह गया क्या महारानी? जी हाँ। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? कोई आदेश नहीं, अभी तो एक सलाह है। आप ना ये पहेलियों के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने दरबार के ना कार्यवाही में ध्यान दें। हमें तो लगता है कि महाराज कृष्णदेव राय के नाम का कोई दुरुपयोग कर रहा है, आपको हमें संपूर्ण प्रजा को भटका रहा है। यदि महाराज कृष्णदेव राय को आना ही होता तो अब तक आ चुके होते ना। क्षमा करें महारानी, किंतु अब तक दरबार का कोई भी राज कार्य इस कारण से प्रभावित नहीं हुआ है, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। रही बात महाराज श्री कृष्ण देव राय के वापस आने की, तो इस विषय में मैं कोई ढील नहीं देना चाहता। उनके पुनरागमन हेतु मैं हर पहेली का हल निकाल कर दिखाऊंगा। पंडित रामाकृष्णा जी, महाराज कृष्ण देव राय विजयनगर के महाराज थे, अब हम विजयनगर की महारानी है, और हमारी बात न मानकर आप हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महारानी ये पूरी सत्ता महाराज कृष्णदेव राय को वापस सौंप देंगी? क्योंकि सत्य तो ये है पंडित जी कि सत्ता के लालच ने बहुत से लोगों के प्राण लिए हैं। किंतु आपने तो कहा था कि आप मुझे आदेश नहीं अपितु सलाह दे रही हैं। आप इसे सलाह समझ लीजिए या हमारा आदेश, किंतु हम नहीं चाहते कि आप इन पहेलियों को सुलझाने में अपना समय व्यर्थ करें। पुनः क्षमा चाहूंगा महारानी, किंतु मैं करूंगा वही जिसमें विजयनगर का हित होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी विजयनगर का हित ही चाहेंगी, है ना? साथ ही आपको आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि महाराज श्री कृष्ण देव राय को वापस लाने के लिए मैं जिन पहेलियों का हल ढूंढ रहा हूं, उनके कारण कोई भी राजकार्य प्रभावित नहीं होगा। साथ ही ये आशा भी रखता हूं कि राजकार्य के कारण महाराज को ढूंढने का कार्य आप प्रभावित नहीं होने देंगे। पेट को भोजन और पीठ पर खंजर। हाँ, और कानों को चेतावनी। वैसे ये खंजर केवल आपको चेतावनी देने के लिए था, आपके प्राण लेने के लिए नहीं। क्या ये बात इस खंजर को ज्ञात थी? हमारा खंजर है ये पंडित रामाकृष्ण जी, और हमारे अनुमति के बिना ये किसी के प्राण नहीं लेता। अपने शस्त्र कला पर हमें इतना तो विश्वास है। विश्वास तो मैंने भी आप पर किया था महारानी, तो विश्वास का क्या परिणाम मिला? परिणाम देखा कहाँ आपने? परिणाम से डरिए पंडित रामाकृष्ण जी, और हमारी बात ध्यान से सुनिए।
आप इस पहेली को हल नहीं करेंगे और महाराज कृष्णदेव राय को ढूंढने का ये स्वप्न आप छोड़ दीजिए। और स्मरण रहे, महारानी के आदेश की अवहेलना का अर्थ है विद्रोह, और महारानी के साथ विद्रोह का अर्थ है राजद्रोह, और राजद्रोह का दंड क्या है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब ये आपको चुनना है पंडित रामकृष्ण जी, कि इन दोनों में से आप किसे चुनते। क्षमा करना महारानी, किंतु मेरे लिए मुझसे बड़ा मेरा राजा, राजा से बड़ा मेरा राज्य, और राज्य से बड़ी मेरी राजभक्ति। वो क्या है ना कि मेरे पांव मेरे राज्य के सिंहासन की निष्ठा से बंधे हैं, जिन्हें आपका आदेश मुक्त नहीं करा सकता। मेरे हाथों में मेरे देशभक्ति की पुष्प बेड़ियां हैं, जिन्हें आपकी चेतावनी मुरझा नहीं सकती। अरे आप तो उस सिंहासन पर भी नहीं बैठ पाई जो मेरे महाराज का है, और इस राज्य के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी को मैं किसी भी स्थिति में वापस लाकर रहूंगा। आशा करता हूं कि इस कार्य में आप अवरोध नहीं बनेंगी। और एक बात स्मरण रहे, महाराज श्री कृष्ण देव राय वो आंधी हैं जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो सैलाब हैं जिन्हें चाहकर भी कोई डरा नहीं सकता, और वो बिजली है जो जब गिर जाए तो अच्छे अच्छों का अहंकार भस्म हो जाता है। बच्चे, तुम्हें नेत्रहीन बनकर पंडित रामकृष्ण के पास जाना है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि तुम विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, जो तुम नहीं हो। क्या कहा गुरुजी? हम कह रहे हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी हो जो मन की आंखों से पढ़ सकता है। गुरुजी, आप मुझे फंसाना चाहते हैं। नहीं, हम तो मात्र ये देखना चाहते हैं पंडित रामकृष्ण तुम्हें पहचान पाएगा या नहीं। यदि पंडित रामकृष्ण तुम्हें नहीं पहचान पाए तो समस्त विजयनगर में तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। किंतु गुरुजी, इसमें मेरा क्या लाभ होगा? हम तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 10 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ। अब पकड़ो लाठी, बनो अंधे और बढ़ो आगे। अभी करते। अरे गधे, ये क्या उद्दंडता है? गधा नहीं गुरुजी, नेत्रहीन। नेत्रहीन का अभ्यास आपसे शुरू कर रहे हो ना गुरुजी? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं, आओ हम चुप कर देखते हैं। अरे इस नेत्रहीन को कोई मार्ग तो दिखाओ। गधा, के भाई देख के क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण जी, हम नेत्रहीन है ना, इसलिए दिखाई नहीं देता। अद्भुत, आप तो नेत्रहीन होते हुए भी तुरंत पहचान गए मुझे कि किसे टकराया है। हाँ पंडित रामकृष्ण जी, क्योंकि मैं मनी हूँ ना। गधा, मनी अर्थात मन की आंखों से देखने वाला। आप जैसे महान पुरुष को हमने अपनी मन की आंखों से पहचान लिया। अद्भुत, तब तो आप मन की आंखों से पढ़ भी लेते होंगे। हाँ, हम तो काव्य पाठ भी कर लेते हैं। अच्छा, अरे क्षण, हाँ ये पढ़कर दिखाइए। हाँ, अभी पढ़ देते हैं। हाँ। विजयनगर साम्राज्य की ओर से वाहतुक विभाग की अधिसूचना दी जाती है कि ए ए हाँ, हाँ,
कि समस्त वाहतुक सामग्री का आवंटन क्या हुआ? आप पढ़ते पढ़ते रुक क्यों गए? हमारी मन की आंखों के बीच में कोई अवरोध आ गया। अच्छा, हाँ। मैं सच कहता हूँ, ईश्वर ने आपको मेरी सहायता करने भेजा है। अब आप मुझे मिल गए हैं, मैं आपको राज दरबार ले जाऊंगा। वहाँ आप सबके समक्ष अपने मन की आंखों से काव्य पाठ करके दिखला देना। किंतु आपके घर में और लोग तो है ना? क्यों? अरे, आपके जाने के पश्चात जीवन यापन के लिए उन्हें राजकोष से धन तो मिलेगा। ये पंडित रामकृष्ण ने क्या कहा? हम कहाँ जाएंगे? अरे रे, आपको नहीं पता? अरे, महाराज कृष्णदेव राय ने पहली में ये भी तो लिखवाया है कि काव्य पाठ करवाने के पश्चात उस नेत्रहीन व्यक्ति को इस संसार से मुक्त कर दिया जाए। क्या है? हमने तो ये बात नहीं सुनी थी। कहाँ से सुनेंगे, मैंने ही जानबूझकर दरबार में वो नहीं पढ़ा। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा नेत्रहीन व्यक्ति होगा जो ये कार्य करेगा? किंतु आप मुझे मिल गए हैं ना, आप चलकर राज दरबार में काव्य पाठ कर दीजिए। चलिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें कोई काव्य पाठ नहीं करना। अरे चलिए तो सही, कुछ नहीं होगा। हमें कोई काव्य पाठ नहीं करना, मन ही है। हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है, आप मन की आंखों से पढ़ने वाली कला के धनी हैं। नहीं नहीं, वो वाला धनी नहीं, गुरु तथाचार्य, कपटी गुरु तथाचार्य का शिष्य मनी। मरवा डाला गधे। गुरु जी ने ऐसा करने के लिए कहा था, नौटंकी करने के लिए कहा था, वो वहाँ छुपे पड़े, वो देखिए। गुरुवार पंडित रामकृष्ण, आप ऐसा स्वांग कब से रचने लगे? रचना पड़ता है स्वांग पंडित रामकृष्ण, रचना पड़ता है। जहां आप जैसा अभिनेता हो वहां स्वांग भी रचना पड़ता है। हमने जानबूझकर स्वांग रचा ताकि हम देख सकें कि सच्चे नेत्रहीन और झूठे नेत्रहीन में आप अंतर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो क्या देखा आपने? छी, लज्जा आ रही है हमें, जो ये भी नहीं पहचान पाए कि ये झूठा नेत्रहीन है। त्यौहार तो आप इसे दरबार लेकर जाने वाले थे आप? मैंने तो इन्हें पहले ही पहचान लिया था कि ये मनी है, और यदि महाराज श्री कृष्ण देव राय होते ना तो वो भी समझ जाते। आने दीजिए आप महाराज को, मैं बताऊंगा उन्हें कि कैसे आपने मनी को झूठा नेत्रहीन बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिया था और काव्य पाठ करवाना चाहते थे, सब बताऊंगा मैं। हाँ तो आने दीजिए महाराज को, आने दीजिए, हम भी महाराज को बताएंगे कि आप झूठे नेत्रहीन को असली नेत्रहीन समझ बैठे थे आप। गधो चलो। नहीं, अब तक नहीं महारानी, यही कहोगे ना जब हम तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारे गुप्तचर ने महाराज कृष्ण देव राय की कोई सूचना दी? स्मरण रहे, यदि आज पंडित रामकृष्णा ने नेत्रहीन से काव्य पाठ करवा दिया ना, तो तुम्हारे भविष्य का काव्य हम लिखेंगे। अब नहीं महारानी, हमने पंडित रामकृष्ण के पीछे गुप्तचर लगाए हुए हैं और हमें सूचना मिली है कि उन्हें कोई नेत्रहीन नहीं मिला है। तो इसका अर्थ ये है कि आज राज दरबार में दो चीजों का ध्वस्त होना तय है। एक तो पंडित रामकृष्ण का महाराज कृष्ण देव राय को वापस लाने का स्वप्न, और दूसरा पंडित रामकृष्ण का सम्मान। ध्यान से सुनिए, हमारे साथ दोहराइए, पृथ्वी प्यासी वर्षा की, पृथ्वी प्यासी वर्षा की, कब वर्षा रानी आओगी, कब वर्षा रानी आओगी, तपती भूमि का हृदय पटल, तपती भूमि का हृदय पटल, कब शीतल करके जाओगी, कब शीतल करके जाओगी। ऐसे ऐसे बोलते जाओ, फिर से सुनाओ। वो जो कविता हमने तुमको दी थी वो याद है? दरबार में भूलोगे तो नहीं? अरे नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। भटकोगे तो नहीं? नहीं अटकेंगे। भटकोगे तो नहीं? नहीं नहीं भटकेंगे। गुरुजी, आपके धनी मनी ने ना इन महोदय को ये कविता भली भांति रटवा दी है। ना अटकेंगे ना भटकेंगे। हाँ, अब तनिक भी चिंता मत कीजिए, तुम दोनों ने रटवाई है इसीलिए तो चिंता कर रहे हैं। चलिए हमें वो कविता सुनाओ। जी जी, पृथ्वी प्यासी वर्षा की,
कब वर्षा रानी आओगी, तपती भूमि का हृदय पटल, कब शीतल करके जाओगी, कब हर्षित होंगे पुष्प वृक्ष, कब नदियों को सहलाओगी पृथ्वी प्यासी वर्षा की, कब वर्षा रानी आओगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखा गुरु जी, देखा, हमने रटवाई है। अब हम दरबार में ये सिद्ध कर देंगे कि ये पहेली हमने हल की है। महाराज, आपके आगमन के लिए हमारे नयन तरस गए हैं। आइए महाराज, शीघ्र आइए। हम जानते हैं कि हमारे इस पहेली के हल करने के पश्चात आप हमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, हमारी जय जयकार होगी। बस अब हम पंडित रामकृष्ण से पहले इसका समाधान लेकर दरबार में जाएंगे। ये देखिए, साड़ियों का अंबार लगा हुआ है। अब मत कर, अन्यथा मेरा कंजूस पुत्र आ गया तो एक भी नहीं मिलने देगा। दरबार जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो मैं राज दरबार में हूँ। तो क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, यहाँ पहेली का हल नहीं सूझ रहा है और तुम ऐसे निरर्थक प्रश्न पूछ रही हो। ये कौन है? दूध वाला। दिखाई नहीं दे रहा, साड़ी वाला है। ये देखिए, मैंने दो कांजीवरम साड़ी ली है। किंतु ये तो दो से अधिक है। महिलाओं के विषय में तुझे क्या पता है? पांच साड़ी होंगी सामने तभी एक चुनेगी पहनने के लिए। इसका मतलब अगर मैं पांच साड़ी लूंगी, इसका मतलब मैं 10 साड़ी लूंगी तो ये समझना कि दो ही ली है। और मूल्य भी इतना कम है, मात्र एक रजत मुद्रा की एक कांजीवरम साड़ी। मित्र, अपना निवास स्थान बेचकर सबको साड़ियां बांट रहे हो क्या? एक रजत मुद्रा में एक कांजीवरम साड़ी कैसे आ सकती है? अरे पंडित रामकृष्णा जी, आप खा गए ना धोखा। वास्तविकता में ये असली कांजीवरम साड़ी है ही नहीं, इसके ऊपर सिर्फ कांजीवरम की छाप लगी हुई है, जिससे दूर से देखने में जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये असली कांजीवरम साड़ी लगती है। आइए देखिए, देखिए देखिए, ये देखिए, ये है असली कांजीवरम साड़ी। इसके ऊपर सोने के धागों से किया कार्य हस्तशिल्पित है। पंडित रामकृष्णा जी कोई साड़ी स्पर्श करके थोड़ी ना देखेगा कि असली कांजीवरम साड़ी है कि नहीं। यदि मुझ तक पहुंचना है और मुझे पाना है तो है असंभव, किंतु कार्य ये कर दिखलाना है। नेत्रहीन व्यक्ति से 6 पंक्ति का काव्य पाठ करके तुम्हें दिखलाना है। महारानी के ना चाहते हुए भी पंडित रामकृष्ण का प्रयत्न कम नहीं हुआ हमारी पहेली का हल खोजने में। दूसरी तरफ गुरुवर भी तिकड़म लगा रहे हैं दरबार में नेत्रहीन व्यक्ति से काव्य पाठ कराने के लिए। परंतु अब देखना ये है कि क्या युक्ति आई है पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क में। क्या वो हमारी यानी महाराज कृष्ण देव राय की चुनौती हल कर पाएंगे? कैसे करवाएंगे किसी नेत्रहीन से काव्य पाठ पंडित रामकृष्ण?